हम कश्मीर जा रहे हैं, हमारा स्पीति का प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया, कैंसिल हो गया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। वैसे गुड मॉर्निंग क्या ही बोलूँ, मेरी गुड नाइट हुई नहीं कल रात और सीधा मेरा गुड मॉर्निंग हो रहा है क्योंकि मैं रात भर सोया ही नहीं, क्योंकि हमें आज जाना है घर। जी हाँ, हम कश्मीर जा रहे हैं, हमारा स्पीति का प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना कश्मीर ही जाया जाए। तो अभी हम लोग कश्मीर जा रहे हैं और मेरे साथ अभी दिख नहीं रहे ये लोग, ये देखिए ये है जहांगीर भाई और ये है हमारे शाकिर भाई और वो है इमरान भाई, आगे चल रहे। अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं क्योंकि हमारी 4:40 पे बस है, सुबह के 4:40। अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं अंधेरा है चारों तरफ, तो अभी हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, बस लेंगे और जो कि हमें जम्मू पहुंचाएगी। देखते हैं कितने टाइम पे हमें जम्मू पहुंचाएगी बस हमारी और वहां से फिर सीधा कश्मीर, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कश्मीर में कैंपिंग ट्रैकिंग करने का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या रहेगा, खूबसूरत सा वीडियो रहने वाला है मुझे पता है और मज़ा आएगा। मतलब आज कंपनी हमारे साथ तगड़ी कंपनी है तो इसीलिए मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं बस स्टैंड की ओर और देखते हैं हमारी बस कहाँ पहुँची है, शायद आ गई होगी, तो लेट्स गो। यह है सुबह सुबह का मंज़र, काफ़ी खूबसूरत प्यारा सुहाना सा मौसम और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मध्यम मध्यम, और गर्मी तो बिल्कुल है भी नहीं। और ये देखिए ये और एक ब्लॉगर साहब, और इनकी चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके इनको भी सब्सक्राइब करके रखना, साकिर SSA। तो फाइनली 4:50 पे हमारी बस आ रही है, वो हमारी बस आ रही है, अभी लाइट नहीं आई है पूरी तरीके से और बस आ गई है। तो फाइनली हम लोग बस में आ चुके हैं और अभी यहाँ से हम पता नहीं कहाँ जा रही है बस, इधर से सीधा जम्मू जा रही है। तो अभी ये बस डायरेक्टली जम्मू जा रही है शायद से, अभी देखते हैं कहाँ पहुँचे। कैसा लग रहा है सर, जम्मू पहुँच के बताते हैं कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? भाई जाके आगे बैठ चुके हैं क्योंकि कहते हैं कि आगे उल्टी नहीं आती है पीछे आती है। जम्मू पहुंच गए हैं, बस से हम लोग उतर चुके हैं और अभी कश्मीर के लिए या बनिहाल के लिए हम लोग गाड़ी देखते हैं, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कि ट्रेन में हम सोच रहे हैं जाने का, तो अभी आगे देखते हैं क्या कुछ होगा। बाय द वे 9:30 बज रहे और बराबर टाइम पे हमारी बस ने हमें यहाँ पे जम्मू में पहुँचाया है। और जम्मू का मौसम बोलूँ तो ठीक ठाक सा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो अभी चलते हैं देखते हैं क्या कुछ होता है, आगे मैं आपको बताऊँगा जो भी होगा। सो अभी टाइम बज रहे हैं 10 और हमें गाड़ी मिल गई है, हमने टेम्पो ट्रैवलर का अभी सोचा, यहाँ पे बार्गेनिंग करी बहुत ही ज़बरदस्त, एक बिहार से एक आदमी थे, उन्होंने ज़बरदस्त बार्गेनिंग करी। टेम्पो में जा रहे हैं बनिहाल, वहाँ से ट्रेन में जाएंगे तो मज़ा आएगा, तो अभी स्टे ट्यून्ड। फायदा नहीं हुआ इससे, क्या करें, कितने का है ये? बज रहे हैं और हम ट्रैफिक जैम में, बहुत ही ख़तरनाक ट्रैफिक जैम में फंस चुके हैं। बनिहाल के थोड़ा सा नज़दीक हैं हम और ट्रैफिक जैम बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। ये देखिए कितनी गाड़ियां हैं, कितनी ट्रक्स हैं और लाइन जा रही है, वो जा रही है लाइन, और यहाँ पर दरिया है देखिए बहुत ही खूबसूरत सा। 4:25 पर हमारी ट्रेन थी बनिहाल से अनंतनाग तक, जो कि हम नहीं पहुँच पाएंगे उस टाइम पर, तो अभी और एक ट्रेन है हमारी 5:50 पर, तो अभी उसी को हम चेज़ करने वाले उसी ट्रेन को, लेकिन फ़िलहाल के लिए जैम लगा पड़ा है, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। बाकी घर पे कॉल कर दिया हमने, घर पे सब कुछ तैयारियां हो रही हैं और हमारा ट्रिप घर के लिए बहुत ही मुश्किल से कट रहा है भाई, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और सीट का मसला भी था, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी सुबह से, लेकिन खैर अब शायद से होप करते हैं यही कि जल्द से जल्द ये ट्रैफिक जैम खुल जाए और हम आगे की ओर बढ़ जाए। तो जैम खुल गया है और हम दौड़ रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर।
क्योंकि 5:50 को हमारी आखिरी ट्रेन है। भाई जाके आगे देखो, लिफ्ट तो फिर भी देखने को मिल जाएगी आगे। नजारे खराब पड़ा पूरा जाम, ये ऊपर का तो हो गया खत्म, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर भी चढ़े हुए हैं लोग। तो अभी हम दौड़ रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ये आखिरी ट्रेन है आज दिन की और इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। सो दौड़ना पड़ रहा है, आनंदनाथ के लिए आखिरी ट्रेन है आज दिन की। ओ भाई साहब, ये देखिए रही ट्रेन, चलो जल्दी। तो ट्रेन हमें मिल गई है और 6:15 पे ट्रेन यहाँ से निकलेगी यहाँ पानीहाल से, और अनंतनाग में हम लोग उतर जाएंगे और वहाँ से आगे फिर देखेंगे क्या होता है। कि जहांगीर भाई बताइए कैसा रहा? थक गए यार, दो बैग थे, एक तेरा था एक मेरा था। और क्या, मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं, मैं पीछे रह गया, पसीना भी आ रहा है पसीना। लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं अभी तो 10 मिनट है। हाँ अभी आराम से आते हम, 7-8 मिनट है अभी बाकी, और मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। हमारी ट्रेन और अनंतनाग हम लोग पहुंच गए हैं, मतलब फाइनली वी हैव एंटर्ड इन कश्मीर। ये देखिए, तो फाइनली कश्मीर हम लोग पहुंच गए हैं और पहाड़ों का व्यू यहां से दिखना शुरू हो चुका है। ये देखिए जी, पहाड़ चारों तरफ, पहाड़ी पहाड़, जहाँ भी नजर जाए पहाड़ पहाड़ पहाड़। और ये रही वो ट्रेन जिसमें हम लोग आए थे, और ये रेलवे स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। बाकी ये देखिए जी पटरियाँ, हाँ ये देखो, ये बंदा भी व्लॉग कर रहा है। कहाँ जाने वाले? हम अब जा रहे हैं कुलगाम। कहाँ? कुलगाम जा रहे हैं। कुलगाम जा रहे हैं, कुलगाम किससे जाएंगे? तो ये देखिए, ये रहा हमारा ट्रेन, चल रहे हैं यहाँ से अभी। तो अनंतनाग तो पहुँच गए हैं, अभी हमें घर पहुँचना है शोपियान ऋषि नगर। तो देखते हैं अभी क्या कुछ सीन रहता है, लेट्स गो। एक छोटी सी मुख्तसर सी ट्रेन है जो यहाँ शुरू होती है और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कश्मीर में इतनी छोटी छोटी ट्रेन चलती है, देखो। और यहाँ पे एक स्टॉल भी लगा है, कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बेच रहे हैं लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बहुत ही हेक्टिक डे था। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच गए, खाना पीना भी हो गया हमारा और सोने की तैयारियां कर रहे थे। और लिटरली मैं बराबर 24 घंटे से बिल्कुल मैं सोया नहीं हूं, बस में भी नींद नहीं आई। और फिर जम्मू से पानीहाल तक जो हमने ट्रैवलर बुक किया था उसमें भी नींद नहीं आई, क्योंकि सीट हमारी प्रॉपर नहीं थी। और फिर ट्रेन में क्या ही नींद आती। बाकी अभी मतलब आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि कल हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, मतलब कैंपिंग पे जा रहे हैं। ट्रैकिंग भी होगी, कैंपिंग भी होगी और नाइट स्टे होगा हमारा, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और ग्रिल का हम सोच रहे हैं, ग्रिल करेंगे कल और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें करेंगे। और उसके बाद हम लोग को पीर की गली भी जाना है, क्योंकि स्नो के मज़े लेने हैं इनको, भाई लोगों को, अपने भाई लोगों को स्नो भी दिखाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले जो वीडियोज़ होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। बाय द वे हमारे इंस्टाग्राम पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है। और जिन्होंने नहीं किया अभी तक फॉलो, प्लीज़ फॉलो कर दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का। बाकी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।